हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो गाइस वी लर्न अ पैटर्न। ये हमारी पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज चल रही है गाइस। पहले से ही 5 वीडियोस डल चुके हैं एंड चैनल पे अगर आप चेक करते हैं गाइस तो बहुत सारे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। लाइक को आपको इंटरव्यूज़ में कैसे प्रिपरेशन करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, कंपाइलर डिज़ाइन के लेक्चर्स मिल जाएंगे, राइट, जावा इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड सो ऑन। बहुत कुछ डला हुआ है गाइस। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इन्फोसिस, मैंने अपना इन्फोसिस का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। बाकी आपको पूरे YouTube पे क्रिप्टोग्राफी की बेस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट। तो आप चेक कर सकते हैं गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं एंड इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आप लोगों को पॉइंटर्स नहीं समझ में आप वो चेक कर सकते हैं। लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो काफ़ी कुछ डला हुआ है गाइज चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ना, एंड गारंटी आपको कंटेंट देख के पूरा मज़ा आ जाएगा। सो आप चेक जरूर कीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर। सो नाउ इस वीडियो में गाइज मैं आपको एक पैटर्न दिखाने वाला हूँ। जस्ट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप लोगों के लिए बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस डले हुए हैं, राइट। स्किल्स क्या क्या चाहिए इंटर्नशिप के लिए, क्या पढ़ना है इंटरव्यू के लिए एंड सो वन। पॉपुलर अपलोड्स हमारे कुछ हैं ये एंड इन्फोसिस में बहुत सारी चीज़ें कि आप कैसे जा सकते हो, क्या उसका तरीका है, ठीक है, प्रोसेस वगैरह हर चीज़ डिस्कस्ड है। तो आप चेक कीजिएगा। नाउ गाइज लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में गाइज हम ये वाला पैटर्न देखने वाले हैं कि ये वाला पैटर्न जो है हम इसको कैसे प्रिंट करने वाले हैं। इससे पहले गाइज हम मतलब काफ़ी सारे पैटर्न्स देख चुके हैं, तो आप चेक कीजिएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हम गाइज कैसे हम इसको डेवलप करने वाले हैं, लॉजिक समझते हैं पहले। जो ये आपका प्रोग्राम है गाइस, हमको ये पूरा बनाना है, तो विल ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स गाइस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले वाले पार्ट में हम इतना ट्रायंगल प्रिंट करेंगे जो कि हम इसका प्रोग्राम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड देन सेकेंडली आफ्टरवर्ड्स हम यहाँ तक प्रिंट कर चुके हैं, फिर इसके बाद हम बस ये नीचे वाला ट्राइंगल जो है प्रिंट करेंगे, राइट। तो हमने दो ट्राइंगल्स में इसको बेसिकली डिवाइड कर लिया, एक हमारा ये शुरू का पार्ट जो कि ऐसे में, और फिर जो हमारा ट्राइंगल यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनिशियली एक स्टार है, फिर यहाँ दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार एंड पाँच स्टार है, फिर डिक्रीज हो रहे हैं 4, 3, 2, 1। ओके, सो विल राइट अ लॉजिक फॉर दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली गाइज हम एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। क्यों कह रहा हूँ मैं गाइज, देखो 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये हमारी 5 रोज है, हम यहाँ तक अभी पहले प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज द रीज़न, ठीक है। 5 रोज हमारी होगी, देन आई प्लस प्लस, ओके, देन सिंपली विल मेक अ जे लूप इन साइड दिस, ताकि हम ये वैल्यूज जो हमारी स्टार्स हैं इनको प्रिंट कर सकें। सो विल दे फॉर जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, देन विल सिंपली से जे प्लस प्लस, ओके। और इसके अंदर गाइस हम क्या करेंगे, विल सिंपली इसमें अपना स्टार प्रिंट कर देंगे, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपको ध्यान रखना है ln अभी नहीं लगाना है ना, ln से क्या होता है नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, राइट। तो हमको सिंपली एक स्टार प्रिंट करना है, स्टार के साथ गाइस हम एक यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट करेंगे, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार के बाद एक स्पेस दिया है ताकि हमारे को बेटर रीडेबिलिटी आए। अगर स्पेस हटाएंगे तो हमारा बस ये चिपक के स्टार्स आ जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो आपका ये सिनेरियो हो गया गाइस, और जैसे ही आपका ये वाला लूप खत्म हो तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में अपना कंट्रोल लेके आ जाना है। तो विल सिंपली से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दैट्स द थिंग, इसमें बस इतना ही करना है। अब देखिए इससे क्या हो रहा है, इससे आपका शुरू का ये इतना प्रिंट हो जा रहा है। हम देखते हैं कैसे, आई की वैल्यू 1 है, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर जाएगा जे 1 से लेके आई तक चलेगा, मतलब आई इज 1। सो 1 एक ही बार आपका स्टार प्रिंट होगा, ओके, स्टार प्रिंट हुआ, लूप एंड हुआ, जे की वैल्यू 2 हुई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, फॉल्स, दैट्स वाई यहाँ बाहर आएगा और एक नेक्स्ट लाइन में हम पहुंच जाएंगे, राइट। हमारा कर्सर जो है गाइस यहाँ पर आ चुका है एज ऑफ नाउ, फिर ऊपर जाएगा जे आई की वैल्यू 2 होगी, फिर हमारा जे की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक चलेगी, 2 बार आपका स्टार प्रिंट होगा, तो दैट्स वाई स्टार स्पेस स्टार, ओके, देन अगेन स्पेस, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से एस ओ पी एल एन, नेक्स्ट लाइन पर आएगा कर्सर, इसी तरीके से गाइस 5 बार ये चलेगा एंड यहाँ तक आपका जो है प्रिंट हो चुका है, ठीक है, इतना जो है यहाँ तक प्रिंट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं ऑलरेडी। नाउ हमको एक और लूप लगाना है ताकि हम नीचे के ये 4 वैल्यूज प्रिंट कर सकें। सो लेट्स मेक अ लूप अगेन, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 4, अब हम कहेंगे आई प्लस प्लस। अब भैया हम 4 क्यों कह रहे हैं, 5 क्यों नहीं कह रहे हैं दोबारा से, है ना। अब क्योंकि गाइस यहाँ तक प्रिंट हो चुका है, तो हम यहाँ पे हमारी जो कितनी रोज बची हैं इसके नीचे, 1, 2, 3 एंड 4 रोज, राइट, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 लिया है गाइज। नाउ नेक्स्ट, अब हमको प्रिंट करनी है ये सारी वैल्यूज, राइट। सो व्हाट विल से इज फॉर जे इक्वल टू 4, ओके, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई वी कैन से, एंड देन जे माइनस माइनस, और सिंपली आप यहाँ पे जो है अपना स्टार प्रिंट कर देंगे, राइट। अब भैया ये मतलब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, कि हम आपको कैसे पता कि 4 से लेके आई तक ही चलाना है। गाइज ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ना, जैसे कि और भी तरीके हो सकते हैं, आप कुछ यहाँ पे मतलब लूप में कुछ और वैल्यूज रखो, बट ये सिंपल तरीका है। जैसे आई की वैल्यू अगर आपकी 1 है, तो मैंने क्या कहा, जे की वैल्यू 4 से चलाओ और ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक चलाओ, मतलब 4, 3, 2, 1, आपकी 4 बार ये लूप चलेगा, है ना, तब हम अपना सिंपली 4 स्टार्स को प्रिंट कर देंगे। सिंपली हमने प्रिंट कर दिया, एंड जैसे ही आपका ये जे लूप खत्म होगा गाइज, हमें नेक्स्ट लाइन पे भी तो कर्सर लाना है ना, यहाँ पे जैसे प्रिंट हुआ फिर नेक्स्ट लाइन पे हमको आना है,
तो सिंपली हम यहाँ पे एक देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ताकि हम नेक्स्ट लाइन पे आ सकें. ओके एंड सिंपली दिस इज आर एंड ऑफ लूप. ओके तो इससे हमारा गाइस क्या होगा, पूरा हमारा जो पैटर्न है ये पूरा पैटर्न इससे प्रिंट हो जाएगा. सो अब हम कोशिश करते हैं इसको रन करने की सो दैट आपका आउटपुट आ जाए एक बारी. लेट्स सी द आउटपुट. सिंपल सा पैटर्न है गाइस, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें. ये पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सिंपल सा आपका प्रोसेस है, बस हमने दो आउटपुट्स को जोड़ दिया है, नथिंग एल्स राइट. तो आप देख सकते हो हमारा पैटर्न एज इट इज़ प्रिंट हो गया. नाउ अगर आप ये स्टार हटा देते हो कि भैया अगर मेरे को मतलब स्पेस नहीं देना है तो मेरा पैटर्न कैसा आएगा, मैं उसका भी आउटपुट देखना चाहूँगा या देखना चाहूँगी. सो बस आपका जो स्टार्स हैं वो चिपके हुए आ जाएंगे, दैट्स इट, दे विल बी नो स्पेस इन बिटवीन देम. आप देख सकते हो गाइस ठीक है, आपका ये आपके ऐसे करके पैटर्न आ जाएगा अगर आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज अगर चेंज करते हो. बाकी मतलब सीन क्या है पैटर्न्स का, आपका यही है कि पैटर्न्स को गाइस आप प्रोग्राम में प्रैक्टिस करके देखिए ठीक है. आप अपना जाइए और ये वैल्यूज लूप्स वगैरह की चेंज कीजिए तो आपको दिखेंगे आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा राइट. तो आप देख सकते हैं सिंपल हमने इसको ऐसे करके प्रिंट कर दिया. फ्यूचर में गाइस और भी वीडियो ज़रूर आएंगे, तो बने रहिए. अच्छे अच्छे पैटर्न के डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल भी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो सभी वीडियोज़ आने वाले हैं. सो अगर आपको नहीं समझ आया मैं बेसिक बता देता हूँ. शुरू इस वाले लूप से हम क्या कर रहे हैं, इससे हम शुरू की 5 लाइनें प्रिंट कर रहे हैं, ये वाली 5 लाइंस. ओके हमने शुरू में 5 बार चलाया, एक एक करके बढ़ता जा रहा है, जे की वैल्यू 1 से आई तक चल रही है, आई की वैल्यू अगर 5 है तो 5 तक चलेगा, 5 बार स्टार प्रिंट होगा. तो इसलिए हमारा इस वाली इटरेशन में 5 बार स्टार प्रिंट हो रहा है राइट. तो इस तरीके से गाइस आपका लूप चल रहा है. ओके एंड इन दिस जो हम इसको 4 बार चला रहे हैं, ये हमारी नीचे की 4 रोज हैं, सिंपली हमारी 4 वैल्यूज प्रिंट हो रही है यहाँ पर राइट. हमने कहा जे इक्वल टू 4 से जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू आई. अब आई की वैल्यू अगर 1 है इनिशियली तो फिर 4, 3, 2, 1 आपका जे 4 बार चलेगा. ओके दैट्स वाई 1, 2, 3, 4 आपके 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं. देन सिमिलरली जे की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 हो जाएगी, जब मतलब आई की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो जे इक्वल टू 4, जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू होगी, तो आपका एक ही बार स्टार प्रिंट होगा. तो बस एंड में एक ही बार स्टार प्रिंट होगा. एंड जैसे ही आपकी गाइज जे मतलब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 5, तो यहाँ पे आएगा 5 मतलब लूप के तो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन फॉल्स, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड दैट्स इट, आपका प्रोग्राम एंड हो गया. तो सिंपल सा प्रोग्राम है गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जूनियर के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय.